السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم معترم صدر فرنس فضيلة الشيخ خالد جميل مكي حفظه الله معزز علماء كرام سامعين عزام عزيز باتشو اسلامي ماوى اور बहसीियत मुसलमान हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हैं रब्लम सूरत में फरमाता है यहीन आमनुला व आती और रसूल आईमन वालो अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो ये इतात तो व फरमा बरदारी ज़िंदगी के हर गोशे में हम पर लाजिम और ज़रूरी है अल्लाबिलामी बकरा में फ़रमाता है अय्युहल लदीन आमनूफ इसलम काफा आई मन वालो तुम पूरे के पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ एक और मक़ाम पर ला आलमीन फरमाता है सूरत में यहीन आमनजीबुल रसूल आकम एम वालो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बे कहो जब वो तुम्हें पुकारे हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा क़ब माश है इसमें भी हम अल्लाह रब्लम और उसके रसूल के पाबंद हैं अल्लाह रब्लम ने क़ुरान में फ़रमाया ईमान वालों को मुखातब करते हुए यादी बात अ ईमान वालो तुम्हें जो हमने पाकिजा रोज़ी अता की है उसमें से खाओ इस कदर हसास मसला है कि रिश्ते, कस्बे माश को और रोजी की तलाश को अमल साल के साथ जोड़ दिया गया है। अल्लाह रबीन ने अम्बिया आलिम सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया रसूलो कुल उमिन वमन असूलो पाकिजा रोजी खाओ और नेक अमल करो तकरीबन इसी मफहूम की एक और आयत थी जिसके अंदरबमी ने हलाल को वाजह अंदाज में अल्लाह रबी ने तमाम बने इंसान को मुखातब करते हुए फरमाया नाश कुल तयबा वाली खुतवा शैतान ए लोगो जमीन में जो हलाल और पाकिजा रोजी है वो खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चालो आज के इस इजलास में मुझे जिस मौजू पर बोलने का मुकल्लफ बनाया गया है वो मौजू है ऑनलाइन बिजनेस ड्रॉप शिपिंग और अफीलेट मार्केटिंग। शरय हुक्म क्या है तो सबसे पहले हम ये जो तीन चीज़ें हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके मुतालिक शरीयत का हुक्म क्या है यह हलाल है कि हराम है या कंडीशन क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो सबसे पहले तो यह है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है ऑनलाइन कारोबार वो कारोबार जो इलेक्ट्रॉनिक जरिए से अंजाम पाता है दूसरे अल्फाज में इंटरनेट के ज़रिए से जो भी कारोबार अंजाम पाता है या उसमें से ज़्यादातर हिस्सा अंजाम पाता है उसको ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है ऑनलाइन बिजनेस की बहुत सारी शक्लें हैं वो शक्लें जानने के लिए कई ऐसे दुरुस्त दरकार हैं और बाकायदा लोगों को एहतमाम करना चाहिए और मसाजिद के अंदर भी एहतमाम होना चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर ये जो मौजूदा दौर के ऑनलाइन बिजनेस है या मुख्तलिफ बिज़नेस के जो तरीक़े हैं उन तरीक़ों को दीन की रोशनी में क़ुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को समझाया जाए ताकि लोगों को कम से कम इतना पता चले कि यह हलाल है और यह हराम है उसकी वजह यह है कि हलाल और हराम की तमीज़ करना यह हमारा दीनी फरीज़ा है अगर हम हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ नहीं करते हैं तो ऐसी शक्ल में हमारा अमाल बर्बाद हो सकते हैं इसी तरह से आखिरत भी बर्बाद होगी इसलिए जरूरी यह है कि इस मसले में हम शरीयत के मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल करें और फिर आगे कारोबार करने की कोशिश करें या जो भी खरीदो फरोख हम करने की कोशिश करते हैं वह शरीयत के मुताबिक हों इतनी सारी शक्लें हैं उन तमाम शक्लों को एक साथ बयान करना ये अभी मुख्तसर वक्त में नामुमकिन बात है लेकिन कुछ उसूली बात है आप ध्यान से उन उसूली बातों को सुने तो दीगर और जो शक्लें हैं या जो भी शक्लें हैं उन शक्लों को समझने में आपके लिए बड़ी आसानी होगी और समझ सकते कि हां यह हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पांच बातें मैं जिक्र करूंगा पहली बात यह कि एक तो खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला होता है दोनों के दरमियान रिजामंदी होनी चाहिए आपस की रिजामंदी और ये कारोबार की शर्तों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ने फरमाया या अय्युहल लदीन आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन ऐ वालों तुम आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खाओ इल्ला ये के वो तिजारत की शक्ल में हो आपस की रिजामंदी से तिजारत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंतरादिन कहा कि ये आपस की रिजामंदी होनी चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी इब्ने माजा की और उस हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल बैउ अंतरादिन खरीदो फरोख्त ये रजामंदी से ही होता है ये रजामंदी वाली बात क्यों आ रही है अगर किसी को बेचने पर मजबूर किया जाए या फिर जबरदस्ती उसको बेचने पर उसको खरीदने पर मजबूर किया जाए तो फिर ऐसी शक्ल में वो फरीदो फरोख्त वाकई नहीं होगा माना ही नहीं जाएगा तो इस वजह से ये रजामंदी की बात कही जाती है तो पहली चीज यह कि बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान रजामंदी होनी चाहिए दूसरी बात जो सामान बेचा जा रहा हो बेचने वाले की मिलकियत में मौजूद हो यह भी तिजारत की शर्तों में से है सामान मौजूद हो बाकायदा उसकी मिलकियत में हो ऑनलाइन में होता क्या है बहुत सारी शक्लें हैं कि कोई बाए बेचने वाला या बायर है वो बैठा हुआ है उसके पास सामान नहीं है सामान स्टोर वाले के पास है कंपनी के पास है दुकानों पर सामान रखा हुआ है ये बेचने वाले से बेशरा खरीदो फरोख का अकद कर लेता है डील कर लेता है तो होता यह है कि इसके पास कोई सामान होता ही नहीं है और वो बेच देता है ये शक्ल जाह नहीं आगे चल करके मैं बताऊंगा तो जरूरत इस बात की है कि जो सामान आप बेच रहे हो वो सामान आपके पास मौजूद हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया जाम तिरमी जो सामान तुम्हारे पास ना हो उसको तुम ना बेचो यानी तुम्हारी मिल्कियत में और मिल्कियत के अंदर कब्जा भी है कि बाकायदा आप उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा रखते हो वो आपके पास बाकायदा मौजूद हो या तो हकीकी ए से कब्जा हो या फिर हुक्मी एतबार से कब्जा हो लेकिन वो सामान आपके पास मौजूद होना चाहिए आपकी मिल्कियत में होनी चाहिए तब जाकर के आप ये सामान बेच सकते तीसरी बात जो सामान आप बेच रहे हो वो हराम ना हो इसलिए कि हराम चीज नहीं बेची जा सकती

अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी कौम पर किसी चीज का खाना हराम करार देता है तो उस चीज की कीमत भी हराम है अब मसलन खिंज़ीर का गोश्त यह हराम है तो खिंज़ीर की कीमत भी हराम है शराब पीना हराम है तो शराब बेचने के जरिए से जो कीमत आएगी वो कीमत भी हराम है तो यहां पर जरूरी यह है कि जो सामान बेचा जा रहा हो वो हलाल हो हराम ना हो चौथी बात यह कि जो खरीद और फरोख्त हो रहा हो उसके अंदर धोखा ना पाया जाए ऑनलाइन बिजनेस में धोखे के बहुत सारे इम्कान रहते हैं और इस वजह से गलमा कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हसासियत के साथ और मुकम्मल जानकारी के साथ ही इंसान को खरीदो फरोख करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो मामला होता है वो धोखे वाला ही होता है मसलन धोखा किस तरह से ना हो कि आपके सामने सामान मौजूद नहीं है तो जो भी सामान को आपके सामने मुतारफ करा रहा है सामान को आपके सामने वो प्रोडक्ट को आपके सामने बयान कर रहा है तो सबसे पहले तो उसकी कीमत आपको मालूम हो दूसरा ये कि उसकी सिफात आपको मालूम हो सिफात यानी प्रोडक्ट ऐसा 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 होना चाहिए अभी इससे पहले जो खतीब थे हाफिज खलील रहमान साहब उन्होंने एक वाकया सुनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि एक आदमी गेहूं बेच रहा था ऊपर का हिस्सा तो सूखा था लेकिन अंदर तरी थी तब तो उस सिफत को बयान करना चाहिए था उसको कि देखो ये सूखा वाला हिस्सा है अंदर तरी वाला हिस्सा है तो बाकायदा उस सिफत का बयान होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते मुकम्मल तौर पर कामिल आपको एक एक जानकारी देना होगा तब जाकर के आप ये सामान बेच सकते हैं तो चौथी बात ये कि जो भी सामान बेचा जा रहा हो उसके ताल्लुक से किसी किस्म के धोखे का इम्कान ना हो उस सामान के अंदर अगर कोई ऐब वाली बात है तो ऐब वाली बात भी बता दी जाए तो ये देखो ये ऐब है अगर तुम खरीदना चाहते तो खरीदो और नहीं खरीदना चाहते तो ना खरीदो तो ऐब वाली बात भी लोगों को बतानी चाहिए तो इस हवाले से बात है कि सामान खरीदने और फरोख्त करने में धोखे वाली बात नहीं होनी चाहिए अल्लाह के नबी सल्हलम ने फरमाया मुस्लिम की रिवायत है अब रजी अल्लाह तु कहते हैं नहा रसुल्लम अन बिली के नबीम ने कंकरियों के जरिए से बेसरा को हराम करार दिया है इसी तरह से धोखे के बेसरा को खरीद फरोख्त को हराम करार दिया है कंकरी के जरिए से मुख्तर तौर पर बता दूं लोगों के जहन में सवाल रह जाएगी क्या बात कह दी गई यानी मिसाल के तौर पर सामान रखा हुआ है अब कोई कंकरी मार करके ऐसे ये सामान पे कंकरी मारो तो तुम्हारा ये सामान हो जाएगा इसकी इतनी कीमत है कभी लगा तो ठीक है नहीं लगा तो फिर सामान उसका है ही नहीं तो ये जो शक्ल है की एक शक्ल है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और गर का खरीदो फरोख्त क्या है किसी भी किस्म का धोखा हो जैसा कि वो जो रिवायत अभी जिक्र किया गया गेहूं के हवाले से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फिर क्या फरमाया मन फल से मना जो हमें धोखा दे हम में से नहीं है मतलब यह कि आप सामान बेचते वक्त धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में भी ये चीज़ है कि सामान के हवाले से जरा बराबर भी धोखे का कोई शायबा ना पाया जाए पांचवी चीज और बहुत अहम तरीन चीज है जिसके हवाले से तफसील के साथ लोगों को जानकारी लेना जरूरी है वो यह है कि खरीद फरोख्त के अंदर सूद का दखल ना हो सूद का दखल ना हो जर्रा बराबर भी अभी सूद की इतनी सारी शक्लें आ गई है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि सूद की कौन कौन सी शक्लें इसके अंदर मौजूद हैं खरीदो फरोख्त करने में पैसा का लेन देन करने में इसी तरह से ट्रांजैक्शन करने में और इसी तरह से उधारी पर लेने में भी बहुत सारी सूद की शक्लें शामिल हो जाती हैं इसलिए ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जो भी खरीदो फरोख्त का मामला होता है सूद से मुकम्मल तौर पर वो पाप हो ये पाँच बुनियादी बातें आप याद रखें मौजूदा जमाने में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं आम तौर पर जो तरीका किया जाता है कि कंपनी डायरेक्ट वो बाए के तौर पर बेचने वाले के तौर पर होती है सेलर के तौर पर और एक कस्टमर होता है परचेजर होता है खरीदता है जो कुछ तफसील बताई गई अगर उसके मुताबिक बैशरा का अकद मुनाफिद होता है तब तो जायज है वरना फिर जायज नहीं है अलबत् तो उसके अंदर कुछ तफसील ऐसी है मिसाल के तौर पर कि सामान अभी आपको मिला नहीं है आपने पहले ही पैसा दे दिया तो ये जायज़ शक्ल है कोई हरज की बात नहीं है जबकि धोखा वाली बात ना पाई जाए आपको पूरा यकीन हो तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो बहुत और मशहूर है और जिसके बारे में लोगों को बाकायदा ट्रस्ट है कंपनी से ये सामान खरीदा जाए तो यकीनी तौर पर वो सामान आता ही है पहले आप कीमत तय कर देते या आप पे कर देते तो भी आपका सामान आ जाता है और कंपनी के अंदर यह शक्ल भी रखी जाती है कि सामान आपके पास बाकायदा आ जाए और हाथों हाथ फिर आप पैसा दे करके वो सामान ले ले तो ये तो और भी बहुत अच्छी शक्ल है इसके अंदर धोखे वाली कोई बात ही नहीं होती है कि जो सामान उस कैफियत के साथ जिस कैफियत के साथ आपको मतलूब है आपके पास पहुंचा है तो आप पैसा दे करके वो सामान ले ले वरना वापस करने का आपके इख्तियार भी हो तो फिर ऐसी सूरत में ये जायज शक्ल होगी तो आम तौर पर कंपनी इस तरह से करती हैं क्योंकि वक्त कम है जो दो चीजें और है वो मैं बतला दूं जो अहम तरीन चीज है एक वो के एक ये है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और इसका हुक्म क्या है तो इसको पहले हम समझ लेते हैं मिसाल के जरिए से तीन लोग होते हैं एक खरीदने वाला एक बेचने वाला और बीच में एक वसीले के तौर पर होता है ये जो बीच में ड्रापर के तौर पर होता है ये करता क्या है कि कंपनी वाले से बात हो जाती है उसका सामान कंपनी का सामान और सामान जो प्रोडक्ट है उसके सिफात को अपने किसी नेटवर्क के जरिए से ऐप के जरिए से या मुख्तलिफ जो, जो, जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से वो लोगों के सामने उसको तस्हर करता है बेचने वाले से वो दो सौ रुपये में खरीदता है हालांकि अभी खरीदा नहीं है वो ये कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर वो लगाता है कि ये तीन सौ रुपये कीमत है सौ रुपया अपने पास रखता है दो सौ कंपनी को दे देता है तो इसके अंदर ये जो शक्ल है कि एक बेचने वाला है दूसरा खरीदने वाला है और तीसरा यह बेचने वाले की हैसियत से मौजूद होता है कमिश्नर के हैसियत से नहीं कि कमीशन खाने वाले के हैसियत से नहीं बल्कि बेचने वाले के अतबार से मौजूद होता है तो शरीयत के अंदर यह शक्ल जायज नहीं है और जायज ना होने की जो दलील है वो जो पांच बातें मैंने जिक्र की हैं उनमें से एक बात तो यह पाई जाती है कि उसके पास उस सामान की मिलकियत ही नहीं है कहा गया ना कि उसका मालिक होना चाहिए वो वो तो मालिक ही नहीं है वो बेच रहा है बेचने वाले को और बेचने वाला जो सामान का मालिक है वो कंपनी है ये खुद नहीं है तो जब कंपनी मालिक है ये खुद मालिक नहीं है तो ये बेच नहीं सकता है क्योंकि शरीयत के अंदर तिजारत की एक शर्त क्या है कि सामान उसके पास मौजूद हो तो ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये जायज और दुरुस्त नहीं है जो शक्ल में इख्तियार करते हैं लोग या फिर उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं लेकिन बुनियाद इसी बात पर है कि वो सामान उसके पास मौजूद नहीं होता है अफिलियट मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग तकरीबन ऐसे ही है इसमें भी तीन लोग होते हैं लेकिन ये जो तीसरा वसीले के तौर पर होता है ये असल में करता क्या है कि ये बायर के तौर पर नहीं रहता है यह कमीशन के तौर पर कंपनी के सामान को प्रमोट करता है और जो भी उसके जानकार हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से उन लोगों तक वो सामान की एडवरटाइजमेंट करता है और उसके बाद फिर लोग जब ख़रीदते हैं तो ये बाकायदा कंपनी से सामान ले करके बेचने वाले तक पहुंचा देता है और कंपनी से इसकी डील हुई रहती है कि मैं अगर आपका हजार रुपया का सामान बेच दू तो मुझे इतना परसेंट कमीशन मिलना चाहिए तो अब इसको कमीशन मिलता है तो ये जो कमीशन मिलता है अब शरीय एतबार से जायज है कि नहीं है तो शरीयत के अंदर इस तरह से कमीशन लेना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है शर्त यह कि बायर के तौर पर अपने आप को मुतारफ ना कराए बल्कि वो कमीशन लेने वाले के एतबार से लोगों को मुतारफ कराए कि मैं कमीशन लेने वाला बायर नहीं हूं इसलिए जब वो सामान को कंपनी से लेकर के उसके पास पहुंचाता है या बेचता है तो वो एक कमीशन खाने वाले के अतबार से होता है बेचने वाले के अतबार से नहीं होता है और शरीय के अंदर चूंकि ये शक्ल जायज़ है इस वजह से अगर ऑनलाइन के थ्रू ये चीज़ की जा रही है तो ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है ये मुख्तर तौर पर आपको बता दिया गया मुख्तसर वक्त के अंदर वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है अल्लाहबमी से दुआ की जाती है कि अल्लाह रबालमीन हमें हलाल रोज़ी अख्तियार करने की तोहफ़ी कतः फरमाएं और ये अहम तरीन मसला मैं बता दूँ ये जो हमारा दीन है दीन हर चीज को शामिल है हम दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें तभी जा करके दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी वरना यह है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेने को मस्जिद को मदरसे को कुरान पढ़ने को दीन समझ ले और दुनिया में जाए तो अपने मर्जी के मुताबिक चलें तो यकीनी तौर तो पर यह हमारे लिए खसारा है आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए हराम कमाई से हराम से इसी तरह से हमारे यहाँ पर, पर बैठने को नफा बक्स बनाए ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन